दोस्तों, जब हम आज के भारत को देखते हैं तो हमें उसमें एक उम्मीद नजर आती है। हमारे भारत के बारे में दुनिया भर की यही राय है कि अगर भारत सही तरीके से चले तो वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन जाएगा, जिसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। खैर, ये तो अभी के हालात हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारे देश को आजादी मिली थी तब हमारा भारत कैसा था, यहाँ पर किस तरह की चीजें होती थी? दोस्तों, आपको इन सभी सवालों का जवाब हमारी आज की इस वीडियो में मिलेगा। इसे पूरा देखने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, भारत की आजादी को 73 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारे वर्तमान देशवासियों के लिए इस बात की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि आजादी का वक्त हमारा भारत किस तरह का था। सबसे पहले अगर हम साक्षरता यानी लिटरेसी की बात करें तो उस समय भारत के केवल 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे, जहां पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 कॉलेज और 25 विश्वविद्यालय थे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1947 का भारतीय रेलवे। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले भारतीय रेलवे की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच में ट्रेन चली थी। मात्र 33 किलोमीटर के अंदर चलने वाली इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे, पर फिर भी इस छोटे से सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट का वक्त लगा। हालांकि अंग्रेजों के शासन में हमारे भारत देश में ट्रेन चलाई गई थी, और जब ट्रेन चलाई गई तो उस समय हालात काफी बुरे थे। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी सुधार आते रहे और अब अंग्रेज छोड़कर भारत चले गए। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी बिछी हुई थी, और देश की रेल व्यवस्था उस समय देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनीज में बटी हुई थी। पर आजादी के बाद भारतीय सरकार ने रेलवे को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, जहां इस समय रेल का किराया आसमान छूता है, वहीं उस समय किराया पाई से लेकर कुछ आने तक का था। 1947 में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी, और उस समय अकेले मुंबई शहर की आबादी 16 लाख हुआ करती थी। हालांकि उस वक्त मुंबई की सीमा केवल अंधेरी तक ही थी, और उसके बाद का इलाका जैसे कि जोगेश्वरी मुंबई के बाहर गिना जाता था। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। अब ये बात सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों, उस वक्त भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेकन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारतीय एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी अलग अलग एविएशन कंपनीज मौजूद थी। अब आप सोचेंगे कि भारत में उस समय इतनी सारी विमान सेवाएं कैसे होती थी। तो दोस्तों, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। इसी वजह से भारत के कुछ अमीर लोगों ने उन्हें खरीद कर एयरलाइंस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भारत में ये चीजें काफी नई थी और लोगों को लगा कि ये फायदे का सौदा हो सकता है। पर दोस्तों, हर कोई यही बात सोचने लगा, इसी वजह से कंपटीशन काफी तगड़ा हो गया और कई सारे एयरलाइन घाटे में आ गए। इसी वजह से करीब 8 एयरलाइंस का भारत ने राष्ट्रीयकरण करके उन्हें एक नाम दिया, जो नाम था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। और अगर उस समय मौजूद एयरपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट बने हुए थे। 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी। उस समय चलने वाली ट्रेनों और विमानों की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं मोटर गाड़ी पर। सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां सड़कों पर चला करती थी, और यातायात की बात की जाए तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर बसें सड़क पर चलती थी, जिनका किराया 4 आने के करीब था। दोस्तों, अगर उस समय मिलने वाले पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 41 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलता था। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत में कदम रखा था। दोस्तों, इस कंपनी के ट्रक भारत में काफी ज्यादा चलते थे, पर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ समय बाद इस कंपनी को भारत सरकार ने इस तरह से नकार दिया, क्योंकि ये कंपनी हमारी भारतीय कंपनियों को टक्कर दे रही थी, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो रहा था, और इसी के चलते इस कंपनी की छुट्टी करनी पड़ी। पर दोस्तों, उस समय जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं,
और इसी कारण से 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने अमेरिका की उसी जनरल मोटर के साथ मिलकर वडोदरा के पास कार फैक्ट्री डाल दी। 1947 में भारतीय मुद्रा। अब हमें पता है कि आप में से अधिकतर लोग इस बारे में जानना चाहते होंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पैसों का क्या हाल था। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि आजादी के वक्त हमारे भारत की करेंसी रुपया ही थी। पर आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। लेकिन अगर हम वास्तविक जानकारी की बात करें तो काफी खोजबीन करने के बाद हमें ये पता चला कि आजादी के समय एक डॉलर की कीमत 3.30 रुपए हुआ करती थी और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई, जहां 1949 में एक डॉलर की कीमत 4.76 रुपए हो गई। लेकिन रुपए में सबसे बड़ी गिरावट 1990 से लेकर 1995 के बीच आई, क्योंकि 1990 में जहां एक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 17.01 थी, वही 1995 में ये कीमत 32.42 हो गई। पर अगर हम 1947 की बात करें तो भारतीय रुपया आज के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत था। और अगर उस समय की हम एक और बात बताएं तो बंटवारे के समय पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में कौन सी करेंसी चलाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन थी और सभी 6 मशीन भारत के नाम थी। यही कारण था कि पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया और बाद में अपने खुद की प्रिंटिंग मशीन से अपनी मुद्रा छपाई। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। 1947 में चीजों के दाम। अब आप ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि जिन चीजों की कीमत आज हमारा घर लुटने में तुला हुआ है वो आखिर आजादी के वक्त किस दाम में मिलती थी। तो दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बेहतर क्वालिटी के चावल 26 पैसे प्रति किलो की दर से मिलते थे, शक्कर 57 पैसे प्रति किलो थी, कैरोसिन तेल 23 पैसे प्रति लीटर था और 55 किलो सीमेंट केवल 3 रुपए में मिलती थी। और अगर हम सोने चांदी की बात करें तो एक तोला सोने की कीमत 103 रुपए थी। हालांकि सोने की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 भारतीय रुपए थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद सोने की कीमत अचानक से बढ़ गई। और यही कारण था कि जब सोने की कीमत बढ़ाई गई तो उस वक्त के लोग वाकई में सोने को बहुत महंगा मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के समय लोग सोने की कीमत को महंगा मानते हैं। पर उस वक्त के हालात काफी अलग थे क्योंकि तब लोगों की इनकम काफी कम थी। जी हाँ, एक सामान्य भारतीय की सालाना आय 265 रुपए थी, यानी कि अगर हम महीने के हिसाब से लें तो एक सामान्य नौकरी करने वाला भारतीय उस समय लगभग 22 रुपए महीना कमाता था। दोस्तों इतनी कम कमाई होने के कारण ही लोग महंगाई कम होने के बावजूद आराम की जिंदगी नहीं जी पाते थे, यानी कि उस समय के हालात आज के मामलों से बिल्कुल विपरीत थे। क्योंकि आज के समय में इतनी भयानक महंगाई होने के बावजूद भी हम मजे की जिंदगी जी रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। क्योंकि पहले लोगों की जरूरतें वाकई में रोटी कपड़ा और मकान थी, लेकिन आज गरीब से गरीब इंसान को भी मोबाइल फोन और कम से कम 2 पहिया वाहन अपनी सबसे बड़ी जरूरत लगती है। पर उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उस समय लोग साइकिल से भी चलते थे तो बड़ी बात हो जाती थी, और आजकल लोग गाड़ियों से भी चल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस समय सबसे बेहतरीन चीज थी कि सभी लोग अपना अधिकतर काम खुद ही करते थे, जिसमें उनका शारीरिक बल लगता था और वो दिन भर मेहनत करने के बाद रात में अच्छी नींद ले लेते थे। लेकिन आज चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। लोग कंप्यूटर लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं और दिन भर इस डिजिटल दुनिया में रहने के बावजूद रात में जब वो आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों में नींद के सिवा बेचैनी होती है। इतना कुछ बताने के बाद हमें खुशी है कि तकनीकी क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करें तो भारत अभी बहुत पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की आबादी है, लेकिन हमारे देश की आबादी को हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि यही आबादी अगर चाहे तो हमारे देश को ऊपर भी उठा सकती है। क्योंकि अगर देश की अधिकतर आबादी मेहनती और पढ़ी लिखी हो जाएगी तो देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। बाकी हमें पूरा यकीन है कि 1947 के भारत के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। बाकी आपको पहले के समय में और आज के समय में क्या बदलाव लगते हैं, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।